नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ टमाटर चटनी। आप लोग इसको ज़रूर देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। टमाटर चटनी बनाने के लिए मुझे लगेगा, मैंने 250 ग्राम टमाटर लिया है, आम पापड़, खजूर, 3 से 4 काजू के नट जो मैंने टुकड़े कर दिए हैं, क्रश किया हुआ थोड़ा सा अदरक, अभी मैं थोड़ा इसको निकल जाए तब तक इसको चलाना है। अदरक देने से इसका स्मेल और टेस्ट दोनों ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा अदरक दे दिया है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। मैंने 100 ग्राम चीनी लिया है, आप मीठा अपने हिसाब से दे सकते हैं। मुझे चटनी में थोड़ा मिठाई अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 100 ग्राम चीनी इसमें डाल दिया। अभी लगेगा थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून नमक। अभी देख रहे हैं दोस्तों, टमाटर से पानी छूट चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा ढक्कन देके 5 से 7 मिनट पकाऊंगी। लगाता नहीं हूँ, चटनी बनाने में बहुत ही मज़ेदार चटनी होता है, इसको आप रोटी या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। अभी मैं इसको ढक दूंगी, गैस मैंने सिम कर दिया है। दोस्तों देखिए, मेरा 5 से 7 मिनट हो चुका है, मेरा 5 से 10 मिनट हो चुका है। दोस्तों और एक बात आप लोगों को बोलना मैं भूल गई थी, इस चटनी में आपको कोई ऑयल नहीं लगता है। कढ़ाई गर्म हो जाए तो आप एक एक करके सामान डाल दीजिए, इसमें चटनी बन जाएगा, इसमें अच्छा लगता है खाने में। मैंने ऑयल फ्री किया है, आप चाहे तो थोड़ा सा ऑयल देके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस चटनी के लिए कोई ऑयल नहीं दिया है। अभी मैं और 5 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी। दोस्तों देखिए, मेरा चटनी तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दूंगी फ्लेवर के लिए, और टेस्ट भी अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, मेरा चटनी पूरा तैयार है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।